नमस्कार, मैं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। झारखंड में ऊर्जा मित्र जो है लगातार आंदोलनरत है और आपको बता दें कि कई एक बार जो है वो मंत्रालय का, झारखंड मंत्रालय का घेराव कर चुका है। कल मोराबादी मैदान से राजभवन तक शांतिपूर्ण तरीके से पैदल मार्च किया था और आज जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांटाटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन करने पहुंचे हुए थे, तो वहां पर ऊर्जा मित्र लोग जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात किए, खिजरी के विधायक राजेश कच्छप से मुलाकात किए। क्या कुछ बात हुई है हम उनसे ही जानते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी आप लोग मिले हैं, खिजरी के विधायक राजेश कच्छप से मिले, क्या बातें हुई आप लोग की? हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिले और जो हम लोग आवेदन आज करीब 12 पिछला महीना 12 तारीख को दिए थे, 18 तारीख को दिए थे, मुख्यमंत्री सचिवालय में दिए थे। तो अभी हम लोग तो अपना समस्या बताएं कि सर हम लोग तो एक तो एजेंसी के द्वारा है, एजेंसी द्वारा शोषण होता है, नियमित ऊर्जा मित्र को बोर्ड से नियमित कर दीजिए, इतना ही सुने। उनके बाद उनका तो बिजी शेड्यूल है, मीडिया को वाइड देते देते निकल गए। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी को हम थोड़ा टाइम लेके बोले हैं कि सर हम लोग 6,500 की संख्या में झारखंड में कुछ आप नियमित बोर्ड से जुड़िए, आप हमारी समस्याओं को सुनिए। तो बोले कि ठीक है, लेटर दे दीजिए, हम आपका समाधान करेंगे। तो हम विधायक राजेश कच्छप जी बोले कि आप लोग तो काम ठीक से कर रहे थे, आप लोग तो अच्छा डोर टू डोर बिलिंग करते थे, कुछ स्मार्ट मीटर के वजह से आप लोग परेशान है, सूचना हमको मिला है, हम आप लोग का समाधान करेंगे, ऐसे बोले हैं। अभी भेंट हुआ, हम बोले कि सर हम लोग आज 10-12 साल से बोर्ड की सेवा करते आ रहे हैं, आप हम लोग कहाँ जाएंगे, स्मार्ट मीटर लग गया पूरा रांची में, हम लोग के बारे में बिजली बोर्ड सरकार सोचे। बन्ना गुप्ता के आश्वासन से क्या लगा? देखिए, झारखंड सरकार में एक मंत्री हैं, आप मंत्री मुख्यमंत्री यही लोग से उम्मीद हम लोग लगाए के बैठे हैं, नहीं तो अब सरकार में जो है उन्हीं से ना उम्मीद करेंगे। झारखंड में 6500 ऊर्जा मित्र है पूरे झारखंड में जो मीटर का बिल रीडिंग करते हैं, आप लोग जो है कितने मानदेय मिलता था और अभी जो है आप लोग क्या सरकार से मांग कर रहे हैं? मानदेय 3 से 5 हज़ार तक मिलता है, ठीक है। सरकार से मांग है कि अभी जो स्मार्ट मीटर लगने के कारण जो पूरे रांची शहर में करीब करीब 250 ऊर्जा मित्र जो बेरोजगार हो गए, ये स्मार्ट रांची में और ये धीरे धीरे पूरे राज्य में, झारखंड में 6,500 है हम लोग, तो धीरे धीरे बेरोजगारी बढ़ रहा है और जीवन का महत्वपूर्ण समय 15 वर्ष बिजली बोर्ड को हम लोग दे दिए बिलिंग करते हुए, अब इस लास्ट समय में हम लोग जाए तो जाए का और पूरे सरकार सभी हम लोग ज्ञापन सब जगह दे रहे हैं, आश्वासन मिला है। आज मुख्यमंत्री जी को हाथ में ज्ञापन दिए और वो लिए, बिजली शेड्यूल है हमारे ऊर्जा साथी बताए, देखते हैं आगे हम लोग आगे आपस में। अब आप लोग का सरकार से जो है मुख्य मांग क्या है, वेतन बढ़ाना या फिर आप लोग को एजेंसी के द्वारा हटा के विभाग के द्वारा समायोजित करना? विभाग के द्वारा समायोजित करना मेन मुद्दा हम लोग का है कि सारे ऊर्जा मित्र को विभाग अपने समायोजित करे। अभी किस एजेंसी से आप लोग को काम लिया जा रहा है? एजेंसी बदलते रहा था, अभी कॉम्पिटेंट थे, अभी फिर नया कोई एजेंसी आ रहा है। तो ऊर्जा मित्र के कर्मचारी थे, इन्होंने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन दिया है। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से जो बातें हुई, इनको लगा है कि सरकार जो है हमारी मांग को पूरा करेगी। हालांकि बता दें कि झारखंड राज्य में बिजली रीडिंग को लेकर स्मार्ट मीटर जो है वो लगा दिया गया है, कई जगहों पर जो है स्मार्ट मीटर जो है वो चालू कर दिया गया है। फिलहाल ये लोग का मांग है कि 10 से 15 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं, अब हम लोग का एज पार हो गया है, अब हम लोग जाए तो जाए कहाँ, उम्र के आखिरी पड़ाव में हम लोग हैं, सरकार जो है किसी भी तरह हम लोग को विभाग के द्वारा एडजस्ट कर फिर से विभाग में काम करने के लिए अनुमति दे। अपने सहयोगी ऋतिक के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, लाइव इंडिया हर पल रांची।